एक सींग वाला एशियाई गैंडन के ई आखिरी शरण स्थली हो आसाम के जंगल। यह काजीरंगा नेशनल पार्क के नजारा। काजीरंगा नेशनल पार्क के आज 430 वर्ग किलोमीटर में फैलल एगो ऐसा जंगल हो जहाँ दिन रात जंगली जानवर अपन प्राकृतिक आवास में फलत फूलत बाड़े। ई पार्क में एक सींग वाला गैंडा के संरक्षण के कहानी लगभग 100 साल पुरान हो। 1904 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के पत्नी मैरी विक्टोरिया कर्जन यहाँ घूमे खातिर आयल रहली। बाकी उनकरा के यहाँ कुछ ही गैंडा दिखाई देले। मैरी कर्जन अपन पति से कहली कि इस दुर्लभ जानवर के संरक्षण कैल जाओ और 2005 में तत्कालीन वन विभाग एकरा के रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर देलस और गैंडन के सुरक्षा के शुरुआत कर देलस। एकरा बाद 1950 में आसाम सरकार एकरा के वन्य जीव अभयारण घोषित कैलस और 1974 में भारत सरकार एकरा के नेशनल पार्क के दर्जा देकर राष्ट्रीय महत्व के संपत्ति घोषित कर देलस। काजीरंगा नेशनल पार्क में गैंडन के संरक्षण के तब और ज्यादा बल मिलल जब 1985 में यूनेस्को एकरा के विश्व धरोहर के दर्जा देलस। काजीरंगा नेशनल पार्क में गैंडन के अलावा बड़ संख्या में एशियाई हाथी भी फलत फूलत बाड़े। पिछला 60 साल में यहाँ हाथियन के जनसंख्या में काफी बढ़ोतरी भइल बा। काजीरंगा नेशनल पार्क में घूमे खातिर हाथी के सवारी के इंतजाम वन विभाग द्वारा कैल गइल बा। काजीरंगा नेशनल पार्क बड़ा पैमाने पर स्तनपाई जानवरन के संरक्षण के एगो मिसाल कायम कैले बा। ई पार्क में घूमे खातिर पूरा दुनिया से पर्यटक यहाँ आवेले।